नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, एसएससी जीडी में आप लोगों की कांस्टेबल की वैकेंसियां निकली हुई थी, ढेर सारी वैकेंसियां निकली हुई थी जिनकी आप लोगों की वैकेंसियां भी इंक्रीज कर दी गई थी, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। फाइनली आप लोगों की जो इंक्रीजिंग वैकेंसियाँ हैं वो कितनी हैं, किस पोस्ट में वैकेंसियाँ इंक्रीज की गई थी और किस स्टेट में वैकेंसियाँ ज़्यादा इंक्रीज की गई है, सब इस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों, एसएससी जीडी में अब आप लोगों की आंसर की आप लोग वेट कर रहे हैं कि आप लोगों की आंसर की कब प्रोवाइड की जाएगी। आंसर की के ऊपर आप लोगों को 15 तारीख की आप लोगों की टेंटेटिव डेट प्रोवाइड की जा रही थी यूट्यूबर्स द्वारा, और उस बात को नोटिफाई करके आप लोगों को एग्ज़ाम जो आप लोगों के पत्रिकाएं होती हैं एग्जाम की, जो जॉब पत्रिकाएं होती हैं उनके द्वारा भी ये डेट प्रोवाइड की जा रही थी कि 15 तारीख तक आप लोगों की आंसर की आ सकती है। वो इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा था क्योंकि एसएससी जो है एक मंथ के अंदर अंदर अपनी आंसर की प्रोवाइड करती है वैकेंसियों की। लेकिन अब जो है आंसर की प्रोवाइड नहीं की गई है, उसका क्या कारण है आप लोगों को एसएससी प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन 15 तारीख को आप लोगों को एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, वो क्या नोटिफिकेशन है एसएससी द्वारा, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं 15 तारीख को क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि आप अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बार में आप लोगों की वीडियोज का और नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो चलिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, यह है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप लोगों की आंसर की का लिंक एक्टिवेट होने वाला है। तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों का कहीं और पर किसी और वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट नहीं होने वाला है, इस वेबसाइट पर आप लोगों का लिंक एक्टिवेट होने वाला है। सबसे पहले इस वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट होगा, उसका जो है लिंकिंग जो ऑप्शन है वो आप लोगों को अदर अदर वेबसाइट पर, प्राइवेट वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो वेबसाइट है इस पर 15 तारीख को देखिए क्या नोटिफिकेशन आया था। तो 12 तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, 15 को देखिए। एक तो ये आप लोगों का जूनियर जो ट्रांसलेटर है उसके लिए आया था, और एक आप लोगों का ग्रुप सी ग्रुप डी में आप लोगों की जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसियाँ थी उनके लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था। तो ये दो नोटिफिकेशन आए थे, और 16 तारीख को भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं दो वैकेंसियों के लिए। तो लगातार एसएससी अपना है नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। आप लोगों की बता दें कि एसएससी जो है इस चीज़ के ऊपर आप लोगों की एक्टिव है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्टिव नहीं है कि आप लोगों की वैकेंसियों में डिले हो रहा है। वो डिले इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे फॉर्म भरे गए थे, करीबन 30 लाख से ज़्यादा आप लोगों के पेपर कंडक्ट किए हैं कैंडिडेट ने। तो इतने ज़्यादा वैकेंसियों के पेपर कंडक्ट कराना, उसके बाद आंसर की प्रोवाइड करना एक टफ काम होता है। लेकिन आप लोगों को बता दें, एक और चीज़ है जो मेन है वो यह है कि 31 मई को जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो है ऑफिशियली मैं आप लोगों को आप नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ कि 31 मई को जो है रिजल्ट आने वाला है एसएससी जीडी की वैकेंसियों का। अब कहीं ना कहीं बात करें तो इतनी सारी वैकेंसियों का जो है आंसर की है वो बहुत जल्द, एक कम से कम एक महीने पहले आप लोगों को अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो ही एसएससी अपना 31 मई को रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है, ये 100% श्योर है। तो आज कहीं ना कहीं आप लोगों की 19 से 20 तक आप लोगों की डेट हो जाएगी। तो आप देखिए, आप लोगों की इतनी डेट के बावजूद भी आप लोगों का जो है एसएससी में आंसर की का जो है ऑप्शन जो है लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। अगर आप लोगों को बता दें तो आप लोगों की 20 से 25 तारीख से के बीच में अगर आंसर की नहीं आती है तो आप लोगों की ये 100% डिले हो सकती है 31 मई की डेट। लेकिन इसके डिले होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो आप लोगों 20 से 25 मई के बीच, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल के बीच में आप लोग आंसर की आने की प्योर श्योरिटी है, 100% श्योरिटी है कि आपकी आंसर की प्रोवाइड कर दी जाए। क्योंकि 20 से 25 के बीच में अगर आप लोगों की आंसर की प्रोवाइड करती है तो 7 दिन तो मिनिमम आप लोगों की आंसर की देखने में आप लोगों के लिंक में आप लोगों को लग जाएंगे। उसके बाद ही आंसर एसएससी जो है रिजल्ट के लिए फर्दर प्रोसीजर अप्लाई कर सकती है। जब आप लोगों के ऑब्जेक्शन होंगे, अगर वो आप लोगों के सही होंगे तो नई आंसर की और आप लोगों का रिजल्ट है वो एक साथ अपडेट किया जाएगा 31 मई को। तो उसमें मिनिमम एक मंथ का टाइम लगेगा, वो एसएससी की हर बार वैकेंसियों में लगता है। तो आप लोगों को बता दें, जो आप लोगों की आंसर की है फाइनली जो है 20 से 25 के बीच में, यानी कि अगले सप्ताह में आप लोगों की आंसर की 100% आने की श्योरिटी है। आप लोग लगातार एसएससी की वेबसाइट पर आते रहिएगा, लगातार चेक करते रहिए कि आप लोगों की आंसर की का लिंक है जो एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है हमारे चैनल, तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल लगना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर अगर आप अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बाद ही आप लोगों को हमारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।